आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जूनी मंडी स्थित नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने NH2 पर और जीवनी मंडी क्षेत्र में धीमी गति से चल रहे कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने NH2 पर धीमी गति से चल रहे कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की। NH2 के विषय में चैम्बर की तरफ से विषय उठाया गया था। डायरेक्टर हैं इसके NH2 के मिस्टर बंसल, उनसे बात की गई थी, तब उन्होंने हमको अवगत कराया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले रिलायंस ग्रुप के पास था जो कार्य नहीं कर पा रहे थे और कार्य बिल्कुल रोक रखा था। उसकी जगह दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर निकाला, कॉन्ट्रैक्टर जो है नया जीत हुआ है। अभी शायद उनको कॉन्ट्रैक्ट पूरा दिया नहीं गया है और जैसे ही जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो उसके बाद वो काम सुचारू रूप से चलेगा। उनको अवगत कराया था कि बाईपास जो है वो कई साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, सड़कें जो बनी है वो भी टूट गई है, तो उसको कम से कम जो सड़कें टूट गई है उनको तो जो है रिपेयर करा दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको किसी गति से जो है करवाई। चैम्बर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने जीवनी मंडी में जल संस्थान द्वारा पेयजल लाइन के सुस्त कार्य को लेकर गुस्सा जाहिर किया। वो करीब करीब पूरी हो चुकी है लेकिन उसमें एक विडम्बना यह है कि आधी जगह तो उन्होंने मट्टी से भर दिया है तो वहाँ तो ट्रैफिक जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आधी जगह गड्ढे जो है वो एक एक फुट गहरे अभी बने हुए हैं। अगर उसमें भी मिट्टी भर दी जाए तो जो अभी जाम की स्थिति बनी हुई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमारा संबंधित विभाग से निवेदन है चैम्बर का, कुछ गड्ढों को तुरंत भरवाया जाए और एक बार ये जैसे ही पूरी हो जाए तो तुरंत पक्की सड़क भी बना दी जाए जिससे कि शहर का ट्रैफिक जो है। जीवनी मंडी से ताजगंज तक डाले जाने वाली पाइपलाइन का कार्य पहले चरण में चल रहा है। इससे क्षेत्र में व्यापारियों को व्यापार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।